हुआ जूजू? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जीनी, जीनी मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। जीनी मेरा दम घुट रहा है। जीनी ऐसे कैसे? जूजू ये बोतल बड़ी आराम की जगह है। 2000 साल तक मैंने इस बोतल में आराम किया, आप एक रात गुजार ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं जीनी। जीनी मेरी बात को समझो मित्रम, मुझे यहाँ से निकालो मित्रम। आप मेरी बात सुनो मित्रम, एक रात तो गुजार के देखो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा हाँ वाकई में मजा तो आ रहा है। जूजू मजा आ रहा है ना? ओके, ऐसा खास नहीं है पर एक रात तो गुजार ही सकता हूँ। आई मैनेज, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जानवर ट्राई करना होगा। हे, कौन है? कौन है? अरे कौन है भाई, छोड़ दो हमको प्लीज, हमको छोड़ दो। ए, 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 मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब गोरिल्ला को गायब करना होगा। हमको बचाओ, हमको बचाओ, छोड़ दो। अरे लाइट चला। बुढ़ी बाबा, बचाओ, 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 विक्की, विक्की मैंने जल्दी आओ, बचाओ। अरे गोरिल्ला, बचाओ। जूजू, 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 छोड़ो। अरे हम ना गोरिल्ला है ना हम चोर है, हम तो चोतुर है। हाँ वो तो तुम शक्ल से ही दिखते हो। अरे क्या हाथ मत मिलाओ, चोरी करने आए थे इस तरह यहाँ पर? अरे हम तो विक्की का पड़ोसी है, वो देखो कितना बड़ा घर है हमारा। इतना बड़ा घर है तो हमारे घर पे चोरी छुपे करने के आए थे? ओ हमको नींद में चलने का बीमारी है। अरे मेरे गोरिल्ला है। अरे चोर है। मासी मैं ठीक बोलते हैं, हमने भी गोरिल्ला देखे हैं। अरे चुम चुम बैठो विक्की। जूजू बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे गोरिल्ला है। चोर है। एक काम करती हूँ, मैं ही जूजू बन जाती हूँ। विक्की मैंने जल्दी आओ, चोर है। अरे गोरिल्ला है। चोर है। बहुत गोरिल्ला है। विक्की मैंने जल्दी आओ, चोर। विक्की क्या हुआ? क्या हुआ? गोरिल्ला है, गोरिल्ला है। सुष्मिता चोर है। हाँ एक मिनट ठोक, बीच में मत बोलना। पहले मुझे ये बताना, ये गोरिल्ला तुम्हारा पड़ोसी है ना? गोरिल्ला ना, चोर। खुद ही बोला देखा, चोर। हाँ ये चोर तुम्हारा पड़ोसी है? नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये तो चोर लुटेरा लगता है। विक्की क्या बोल रहे हो? अरे हम चतुर गांगुली है। मैं किसी चतुर या किसी गांगुली को नहीं जानता। अरे क्या बोल रहे हो, हमने तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा प्रॉब्लम में इतना हेल्प किया, भूल गया? हाँ याद आया, याद आया, याद आया। ये कोई मामूली चोर नहीं है, ये तो बहुत झूठा चोर है, सेनापति। सेनापति? मेरा मतलब है पुलिस। अरे नहीं नहीं नहीं, जंगल विभाग वालों को बुलाओ, यहाँ पे गोरिल्ला है। अरे चोर है, पुलिस को बुलाओ, चोर है। अरे गोरिल्ला है, चोर है। ये गोरिल्ला नहीं है आंटी अंकल, पुलिस को बुलाओ। अभी आंटी बोलते हैं। ये तू मुझे और मम्मी को अंकल आंटी कह के क्यों बुला रहा है? हाँ क्या हो, क्या गया है तुझे? क्या हो गया मेरे को? मुझे क्या बता? याद आया वो
वो कुलजीत है ना, कुलजीत कुलजीत, वो आपको अंकल आंटी कहता है ना, वही मेरे जबान में बैठ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गोरिल्ला नहीं है मम्मी, पापा पुलिस को बुलाओ। अरे गोरिल्ला है, चोर है। अरे गोरिल्ला है, अरे चतुर है। अरे गोरिल्ला है, चोर है, चतुर है, चतुर चोर है। पुलिस, पुलिस। हो गई क्या? यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे सुबह हो गई। जिनी, जिनी, अरे सुबह हो गई, हाथ भी जल गया, बाहर निकालो। जिनी, जिनी, गुड मॉर्निंग जूजू। अरे गुड मॉर्निंग जिली। अच्छी नींद आई? बढ़िया। अरे बड़े दिनों के बाद इतनी गहरी नींद सोया, वो शांति है इस बोतल में। जूजू, आपको मेरा बेड कैसा लगा? सुपर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। है ना? तो चलो मैं आपको बोतल में वापस भेजती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, खोल दो इसको। तुम तो बताओ, तुम्हें मेरे बेड पे नींद आई या नहीं? नहीं जूजू, मैं ठीक से नहीं सो पाई। क्यों? पूरी रात हंगामा चलता रहा। कैसा हंगामा? जूजू पता है, कल रात हमारे घर में चोर घुसाया था। क्या? हाँ, और कुकू टुकू भी उड़ गए थे। क्या? हाँ, कुकू और टुकू दोनों ने आपको बहुत आवाज दी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जूजू बन जाती हूँ। तुम मैं बन गई? क्यों? अरे मुझे उठा देती ना। क्योंकि मेरे जूजू बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, इसीलिए मैं खुद ही जूजू बन गई। और आप टेंशन मत लो, चोर को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया और सब सेट कर दिया। अच्छा, रात को इतना कुछ हो गया, देखना पड़ेगा। चलो नीचे चलते हैं। Hold it. ऐसे चलोगी क्या? क्यों? पापा जी बोलो, पापा जी। ओ जी हाँ, एक मिनट। ओ जी अब ठीक है? हाँ ये ठीक है। चले? चलो। माँ जी, पापा जी, सत श्री अकाल। पेरीपोना, पेरीपोना। ओए जूंदर है पुत्र, जूंदर है। विक्की पुत्र, तूने गुरप्रीत को बताया नहीं कल रात के बारे में? गुरप्रीत? ओ माँ जी, क्यों आया जब मैं सोया? हाय मनप्रीत, तुझे पता ही नहीं कल रात को इस घर में क्या हुआ? ओ मेरी कोई सुनेगा भी? हाँ तो बोलो जी। इसका नाम कुलजीत है। तो मैंने कौन सा मनप्रीत कह दिया है? माँ जी, हाँ जरा जल्दी बताइए ना, मेरे दिल की धड़कने दी हार्ट बीट फास्ट से तेज हो रही है जी। ओए हरजीत पुत्र, कल रात को ना इस घर में मैंने गुरिले को देखा। गुरिला नहीं, चोर था। आपको तो मेरी बात पे विश्वास करना ही नहीं है जी। मैं कहती हूँ गुरिल्ला, आप कहते चोर था। बिक्की, ये क्या किया? क्यों किया? हम तुम पर इतना यकीन किया, तुम हमारे साथ ये क्या किया? क्या किया मैंने? तुम हमसे क्या पूछता है कि क्या किया, हम तुमसे पूछ रहा है ये क्या किया? तुम चतुर बाबू को पुलिस में धरा दिया, उसको चोर बुलाया। छी, चतुर जी, चोर? कब से? अरे ऐसा तुम बोला। हमारा पोती को ना नींद में चलने का बीमारी है, तेरा घूम में घूमते घूमते तुम्हारा घर में आ गया। अरे ये उसको पुलिस में दे दिया, उसको चोर बुलाया, और तो और उसको पहचाना नहीं। छी 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 छी, माँ दुर्गा कीजे होबे। विकी बेटे, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम जानते हो उस आदमी को, तो तुमने कहा नहीं। ऐसा कहा मैंने? ये सब क्या है विकी बेटा? ये तू कमलजीत को क्या पूछ रहा है? वो तो उस वक्त सो रहा था जब ये सब घर में हो रहा था। गांगुली बाबू, छोड़ेगा नहीं हम उसको, तुम छोड़ो मेरे को। चतुर, तुम ये शिकायत छो। All thanks to डॉक्टर बाबू। आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे चतुर बाबू को
पुलिस थाना से छुड़ा के लाया। मेरा फर्ज बनता है मिसेज गांगुली। कैप्टन विकी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुमने पुलिस को ये क्यों कहा कि तुम मिस्टर चतुर गांगुली को पहचानते नहीं हो, जबकि मिस्टर चतुर गांगुली तुम्हारे पड़ोसी ही नहीं बल्कि इन्होंने हमारी कंपनी को बचाने में हेल्प किया है। चतुर जी, किच्छू बोलता हमें ना। ठीक है, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। ये भी ठीक है। हमने तुमको फैमिली की तरह ट्रीट किया और तुमने हमको चीट किया, पुलिस में दे दिया। अरे तुमने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम हमको पहचानते नहीं। छी, 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 छी। मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। सर मुझे तो रात के बारे में कुछ याद ही नहीं। बा, 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 बा। हमारा रात को एडगार बना के कहता है कि इसको कुछ याद नहीं। विकी बेटे, मैंने भी गौर किया, कल रात को तुम कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अच्छा, हाँ क्या अजीब अजीब बातें की इसने? मैंने, अरे अजीब नहीं तो और क्या बेटे, तुम मुझे अंकल कह के बुला रहे थे और तुम्हारी मम्मी को आंटी जी। क्या विकी, तुम अपने मम्मी पापा को आंटी अंकल कैसे कह सकते हो? पापा, रात का वक्त था, अंधेरा बहुत था, मैं घबरा गया था पापा, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाया। अंधेरा कैसे हो सकता है बेटे, मैंने खुद लाइट ऑन की थी, उजाला था। क्या बात कर रहे हैं? अब बताओ कैप्टन विकी, है कोई जवाब तुम्हारे पास? इस बात को खींच के क्या फायदा डॉक्टर, आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब काम का कितना प्रेशर है मुझ पर, 3-4 रातों से मैं सोया भी नहीं। ये देखिए, रहने दीजिए। चतुर जी आप महान हो, आप बड़े हो। कहते हैं जो बड़े होते हैं वो छोटों को क्षमा कर देते हैं। अच्छा, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुन्नी बाबू, माफ कर दीजिए ना, बच्चा है। कौन चुन्नी बाबू? आपको कह रही है। हाँ, आनंद बाबू माफ कर दीजिए। कौन आनंद बाबू? आप ही को। ठीक है मासी माँ, आप बोल रहे हैं इसलिए इसको मैं माफ करते हैं। दुगा, चलो घर चलते हैं। अरे डॉक्टर बाबू, आप भी आइए हमारे घर में, आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। लेकिन कैप्टन, अरे चलो ना मायरी, रसगुल्ला खाबो। विक्की पुत्र, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो, इस फाइल में कुलजीत का ब्लड ग्रुप लिखा है, हमें उस नकली कुलजीत का ब्लड टेस्ट लेना होगा और पता लगाना होगा कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं। यस, ये सही रहेगा। আমি কি বলছি দুগ্গা, তুমি বরং আগে চলো, মুঝে ডক্টর বাবু সে বহুত জরুরি কথা বলতে হবে। দেখো আগে তুম ফির ভূত খুঁজনে কো নাই চলে জানা, সিধা ঘর আনা। হ্যাঁ মিস্টার চতুর গাঙ্গুলি, আগে ভিকি নে আপকে সাথ জো কুছ ভি কিয়া উসকে লিয়ে আই এম ভেরি ভেরি সরি। হামারা ভিকি এসা নাই থা, লেকিন জব সে উসকা প্লেন ক্র্যাশ হুয়া তব সে ও এসা হো গয়া হ্যা। হ্যাঁ, হামকো ভি নাই লাগতা হ্যা কি ইসমে ভিকি বাবু কা কোই গলতি হ্যায়। अरे उसका घर में इतना सारा भूत प्रेत आत्मा मंडरा रहा है, जरूर कल रात भी बेक्के बाबू के बॉडी में एक भूत घुस गया था। भूत प्रेत आत्मा? नहीं नहीं मिस्टर चतुर, आईटा में शू बोल रहे। अरे सुत्ती बोल ची, अपना आंखों से देखा है मैंने,
अरे मैं तो कहता हूँ कि वो जो सरदार जी है ना, सरदार जी, ये तो बहुत बड़ा गंडगोल है। आपका फाइल में इसका जो फोटो चेंज हुए थे, जरूर इसमें भी कुलजीत जी का ही हाथ है। अच्छा, आप एक काम कीजिए मिस्टर गांगुली, विकी के घर पर नजर रखिए, तब तक मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि मामला क्या है। ठीक अच्छे, थैंक यू मिस्टर गांगुली। हम नजर तो रखेगा, किंतु हमारा घर से। जूजू, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब दोबारा मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जूजू, उस आदमी ने बालकनी से हमारे घर में दो बार घुसने की कोशिश की, इसलिए मुझे लगा कि वो चोर है। चतुर जी, पहले दो बार? जीदी, तो शुक्र करो कि वो अच्छे आदमी है जीनी, इसीलिए मेरे माफी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। और कोई होता ना तो एक्शन ले लेता मुझ पे। जूजू, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहे, चलो। जूजू, पहले बताओ आपने मुझे माफ किया ना? मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर माफ किया चले? अब नहीं जूजू, आप ऑफिस जाओ, मैं यही रहूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें मम्मी पापा के साथ नहीं छोड़ सकता, कुछ गड़बड़ हो गई तो। पर जूजू, अगर मैं आपके साथ ऑफिस आई और वहाँ कोई नई गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम ऑफिस चलो और विल्ला की कैबिन में बैठना और मैनुअल पढ़ना, ओके? जूजू, मैं बोर हो जाऊंगी। अच्छा सॉरी, चलते हैं ऑफिस। क्या? हाँ प्रिया निक्री, मिस्टर चतुर गांगुली ने मुझे खुद बताया कि उन्हें इस कुलजीत पर पूरा शक है। पर डॉक्टर अंकल, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम ये पता लगा सके कि ये कुलजीत चीटर है? एक रास्ता है। क्या? खून। खून? नहीं नहीं, खून का मतलब ब्लड टेस्ट। एक मिनट, ये देखो, इस फाइल में कुलजीत का ब्लड ग्रुप लिखा है, हमें उस नकली कुलजीत का ब्लड टेस्ट लेना होगा और पता लगाना होगा कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं। यस, ये सही रहेगा। डॉक्टर अंकल, जितने जल्दी हो आप ये टेस्ट करवाइए। मैं अभी इसी वक्त जाके कुलजीत का ब्लड टेस्ट लेता हूँ। वेरी गुड। देखो कुलजीत, किसी भी एयरलाइंस में काम करने के लिए इस मैनुअल को पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये लो, संभालो। जी आपने पढ़ी है? मैंने 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 पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है इसको, सारी की सारी पढ़ी है, A to Z। बल्कि मैं तो इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि अब मैं ये भी भूल गया हूँ कि इसमें लिखा क्या है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुलजीत। हाँ जी। मुझे तुम्हारे ब्लड सैंपल चाहिए अभी इसी वक्त। ओ जी, मुझे कोई ब्लड टेस्ट नहीं करानी। वैसे भी विक्की बॉस ने मुझे किसी जरूरी से इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। ओ जी, देखो आवाज आ गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुलजीत। आखिर कुलजीत ने ब्लड टेस्ट करवाने से मना क्यों कर दिया? मैं बताऊं डॉक, कुलजीत ने ब्लड सैंपल देने से मना क्यों कर दिया? तुम जानते हो कैप्टन विला? जो कोई नहीं जानता वो विला जानता है डॉक। तो बताओ मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसको। उसको क्या, जल्दी बताओ कैप्टन विला। क्योंकि उसको सुई से डर लगता है। देखा, मैंने पता लगा लिया ना। कैप्टन विला, मुझे तुम्हारे पुअर जोक सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ कुलजीत के ब्लड सैंपल्स में इंटरेस्ट है। Now will you please excuse me? कमाल है, इस एयरलाइंस में मेरा ह्यूमर कोई समझता ही नहीं। Age 23 years.